तो गाइज आज जो हमारा ब्लॉग शूट है वो जाकिर नगर का है, और जाकिर नगर की जो मेन कॉलोनी है आज मैं आपको वहाँ का माहौल दिखाने वाला हूँ, वहाँ का इन्वायरमेंट दिखाने वाला हूँ। जामा मस्जिद के तो मैंने आपको कितने ही दिखाए हैं जामा मस्जिद में, मतलब काफ़ी मैंने वहाँ पर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज हम मौजूद हैं जाकिर नगर और यहाँ की जो मार्केट है मैं आपको मार्केट से रूबरू कराने वाला हूँ, और यहाँ पर क्या क्या जो खाने हैं यहाँ पर, क्योंकि जाकिर नगर में कुछ फेमस फूड हैं वे भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट शुरू होती है जाकिर नगर की जो मेन मार्केट है। वैसे तो आप यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कुछ दुकानें हैं, यहाँ पर आप लोवर वगैरह और मोबाइल के कवर यहाँ पर ले सकते हैं। इस वाले साइड की बात करूँ तो भाई इस साइड में भी कुछ मोबाइल्स के कवर हैं, और आप ऊपर से देखते हैं कितनी झालर लगी हुई है, और यहाँ पर आपको शेरवानी मिल जाएगी लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर भी कुछ बिरयानी वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर बिरयानी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। और ये खजला, ये आप देख सकते हैं भाई, खजला भी यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से भी खजला भी ले सकते हैं। और जैसा जलेबी आपको दिख रही है, मीठी मीठी जलेबी, और ये मीठे समोसे तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये जाकिर नगर की जो मेन मार्केट है यहाँ पर ये अवेलेबल है सारे। अभी तो मार्केट का भी स्टार्टिंग ही है, अभी मैं थोड़ा सा और अंदर जाऊँगा तो शायद, मैंने सुना है भाई यहाँ पर भी बहुत भीड़ रहती है, और अभी देखते हैं कि भाई यहाँ का कैसा माहौल है। और यहाँ पर आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि भाई लोअर टी शर्ट्स यहाँ पर बेच रहे हैं, और इसकी अगर मैं राइट साइड की बात करूँ CW बेकर्स एंड स्वीट्स है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बेकरी का सामान मिल जाता है, और यहाँ पर बर्थडे केक वगैरह भी मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई खाना तैयार हो रहा है, और ऊपर कैफ़े STW का, इनकी दूसरी ब्रांच है ये, हॉट एंड फ्रेश यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इनका सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। अगर मैं इधर लेफ्ट साइड राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर एक है मदीना होटल, जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है, और इनकी नहारी भी मशहूर है। और इधर आप देख सकते हैं इधर इतर की दुकान है, और साथ ही साथ खजूर की कुछ यहाँ पर पैकेट्स रखे हुए हैं, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और ये कुछ शूज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में मेरे काफ़ी सारी दुकान हैं खाने की, और एक है हमारे दोस्त हैं ये हलीम बिरयानी वाले। अच्छा भाई माशाल्लाह, आप बताइए आप कैसे हो भाई, कैसा चल रहा है आपका काम? भाई अल्लाह का करम है, बहुत बेस्ट चल रहा है। वैसे दिन में हमारा अभी ओपन रहता है, इफ्तार के बाद शुरू होता है हमारा, फिर शहरी तक ही होता है। शहरी कितने बजे? चार बजे तक होता है, चार बजे से पहले ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और आप मेरे यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं असलम बिरयानी वाले, ये भी बहुत मशहूर हैं करके, और ये कुरेशी कबाब, ये हमारे एक्सक्यूज मी मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? जो कुरेशी कबाब की ये दूसरी ब्रांच है, मेन ब्रांच हमने आपको पुरानी दिल्ली में दिखाई थी, और हमने वहाँ के कबाब भी खाए थे, वो भी बहुत टेस्टी थे। और ये भाई लखनवी गुलावटी कबाब बहुत मशहूर है भाई यहाँ के, यहाँ पर भी बहुत भीड़ रहती है भाई लखनवी के पास, और अगर आप आ रहे हो तो भाई इधर ज़रूर खा लेना, कबाब बहुत फेमस है यार यहाँ के। यहाँ पर देख सकते हैं रोटी को गर्म किया जा रहा है, ये कबाब है भाई गुलावटी के बहुत मशहूर है भाई, यहाँ बहुत भीड़ रहती है अंदर, और किसी दिन हम इनका भी एक प्रॉपर ब्लॉग शूट करेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका एक प्रॉपर तरीका होता है। आगे भाई गुलाबी कबाब अगर आप खा रहे हो तो भाई बहुत लाजवाब है, वाह वाह मजा आ गया। तो भाई ये थे गुलाबी कबाब, और ये बहुत अल्टीमेट होते हैं भाई, बहुत यहाँ पर भीड़ होती है, और यहाँ पर मतलब ज़्यादा भीड़ है, भीड़ भाड़ वाली है। और ये है पहलवान जी, यहाँ के पहलवान की जो लस्सी है वो बहुत मशहूर है, और इनकी जो दूध की बोतल है वो भी बहुत मशहूर है भाई। और आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे कितनी भीड़ है भाई, हम पैदल चलने का भी यहाँ पे रास्ता नहीं है। ये पहलवान जी हैं इधर, इधर अभी आज पहलवान जी नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ की जो पहलवान जी की जो लस्सी है और इनका जो दूध है भाई बहुत मशहूर है यहाँ का दूध। तो अभी थोड़ा पहलवान जी बिजी हैं, उनसे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर कितनी भीड़ हो रखी है, और ये बर्फ़ निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप पहलवान जी अगर आप आ रहे हो तो भाई पहलवान जी की लस्सी ज़रूर पी लेना, बहुत मशहूर है भाई इधर पहलवान जी। और इसके आसपास मतलब दोनों साइड में यहाँ पर दुकानें ही दुकानें हैं, और यहाँ पर भी ये कबाब हैं भाई, ये है ये कबाब भी बहुत मशहूर हैं। क्विक ईट भाई यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर फूड होता है, यहाँ पर मैंने कभी खाया तो नहीं है, लेकिन इनकी बहुत तारीफ करते हैं क्विक ईट वालों की। अगर मैं इनकी कुछ आइटम्स आपको दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरह की होंगी, मैं अभी चलता हूँ उनके पास। कीमा है भैया, कीमा है बरे का, तवा कीमा। किस चीज़ के साथ खाया जाता है ये? पराठा के साथ खाया जाता है, रुमाली रोटी के साथ खाया जाता है, तंदूर रोटी के साथ। 50 रुपये का ऑर्डर, हाफ 100 रुपये, फुल 200 रुपये का। दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी
खाने में मैं अभी नहीं खाऊंगा, अभी मन नहीं है भाई खाने का, मैं किसी दिन प्रॉपर ये भी खाऊंगा। तो आप देख सकते हैं भाई, मैंने आपको आइटम दिखाई क्विक ईट की, तो यहाँ पर आप आकर के खा सकते हो, ठीक है। और अभी मैं आगे चलता हूँ क्योंकि भाई बहुत बड़ी मार्केट है, मेरे को पूरी मार्केट कवर करनी है इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर मतलब एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, दोनों साइड में यहाँ खाने की मार्केट है, वो बहुत अच्छा लगता है। और ये गोलगप्पे जो अक्सर लोग पसंद करते हैं, गोलगप्पे। और यहाँ पर मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं कुछ बिरयानी वाले यहाँ पर बहुत मशहूर हैं। और यहाँ पर एक है हाजी इमरान, ये 50, ये 60, ये 80, ये 90, ये 100, ये 120। मैंने आपको सारे के सारे प्राइजेस बता दिए हैं, ये सारे के सारे शीरमाल्स हैं। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये पैक होते हैं इनका, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, और इधर हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पर टी शर्ट बेच रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पर भी आप टी शर्ट्स खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी टी शर्ट होती हैं अगर आपको खरीदनी है। और यहाँ पर है अल अमीन बेकरी वाला है ये, यहाँ पर बेकरी का सामान मिल जाता है बहुत ईजी से। और यहाँ पर मेरे राइट साइड में देख सकते हैं आप एक शेक वाला है, यहाँ से भी आप शेक खरीद सकते हैं। और अभी जहाँ पर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, उनके ये बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं लेके चलता हूँ इनके पास, ये बहुत मशहूर है भाई, ये शाही टुकड़ा है और ये अंजीर का हलवा है। मैंने भाई इनके सारे के सारे आइटम चेक करें, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अल्टीमेट होते हैं भाई। अगर आप जाकिर नगर में आ रहे हो तो भाई एक बार जरूर ट्राई करना यार, ये बिल्कुल जो जाकिर नगर की जामा मस्जिद है बिल्कुल उसी के साइड में, उसी के बिल्कुल बगल में, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई इनके पास कुछ शाही खीर, रबड़ी फलूदा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर आ रहे हो तो भाई यहाँ पर ये जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि जाकिर नगर सब चीज़ों से ही मशहूर है। मोहम्मद आकिब, रबड़ी फलूदा बढ़िया लगा है, नहीं मैंने तो काफ़ी बार खा चुका हूँ मैं यहाँ। मेरे लिए एक स्पेशल रबड़ी फलूदा बनाया है जो मैंने देखा है भाई, बहुत अल्टीमेट है, दिखने में तो बहुत अल्टीमेट लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा खा करके देख लेता हूँ कि खा के कैसा लगेगा भाई। मज़ा आ गया यार, अगर आप जाकिर नगर आ रहे हो तो भाई जामा मस्जिद के बिल्कुल बगल में ही है ये दुकान, हाँ फेमस फलूदा जाकिर नगर का है। तो भाई आप आओगे तो एक बार जरूर ट्राई कर लेना प्लीज़, मेरे को बहुत अल्टीमेट लग रहा है यार, मज़ा आ गया, मतलब मन ऐसा करा है कि मैं दोबारा फिर से यहाँ पर फलूदा खाने के लिए आऊँ। वैसे तो और भी बहुत सारी इनके पास आइटम्स हैं, लेकिन अभी उतना पेट नहीं है कि सब चीज़ें ट्राई करो, अभी फिलहाल फलूदा ट्राई किया है तो वो बहुत अल्टीमेट है। तो गाइस फाइनली मैंने इनका जो फलूदा था वो खा लिया भाई, बहुत अल्टीमेट लगा, मज़ा आ गया। और अभी थोड़ा हम भैया से बात कर लेते हैं कि भाई उनका जो यहाँ पे जो दुकान है इनकी, जो ये कब से शुरुआत हुई थी और कब से मतलब ये आइडिया आया था कि हम यहाँ पर एक दुकान चला सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, शॉप का नाम शाही खीर के नाम से मशहूर है ये। मेरे पास सारी चीज़ें बराबर अच्छी चलती हैं, रेट जो है नी बहुत मुनासिब हैं। आज के डेट में भी जो है नी फालूदा दूसरी जगह 70 का है, हमारे 50 रुपये का, रमज़ान के लिए 20 रुपये की छूट चल रही है। यहाँ जो है ना लगभग 35 साल के करीब हो गए इस इलाके में हमारा काम करते हुए। तो 35 साल से आप ये सब आइटम्स बना रहे हैं? जी जी, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, आप लोगों की मोहब्बत है। तो रमजान, जैसे रमजान चल रहे हैं जी जी, उसमें आप क्या कहना चाहोगे, जैसे मतलब भीड़ रहती है काफी है, मतलब ऐसे नॉर्मल रहता है इस टाइम? बस ये है 2 साल के बाद में खुला है, रमजान की वो है रौनक, सारे लोग आ रहे हैं और खिदमत का मौका दे रहे हैं। अब उसी के साथ साथ में आप जो आपको मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ वो है जावेद फेमस निहारी। ये आपने यहाँ का नाम सुना ही होगा, जावेद फेमस निहारी। और मैं किसी दिन प्रॉपर जावेद फेमस निहारी का भी एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ, अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। ये है इनका जावेद फेमस निहारी, ठीक है। आपको मैं यहाँ की भीड़ दिखाता हूँ भाई, भीड़ कितनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी भीड़ है, और ये देख सकते हैं भाई ये इनका प्रॉपर एक नहारी है, नली भी है इनकी। और यहाँ पर अंदर भीड़ देख सकते हैं भाई कितनी है, जावेद की मशहूर नहारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटी बन रही है। अगर मैं अपने राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई बहुत अल्टीमेट चीज़ बन रही है। भैया क्या है ये? ये खोया रोटी है, ये शाही मेवा रोटी है, इसका 60 रुपये का प्राइस है। ये होता है बटर जैम, ये भी हमारे यहाँ बहुत फेमस है, ये 70 का है। हमारी दुकान तो यहाँ पे सन 2002 से है, वैसे हमारे 7th जनरेशन काम है, हमारे परदादा की भी वालिद बेकरी का काम करते थे, 1944 का लाइसेंस हमारे पास है, तो ये हमारा पुरखानी काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब रमज़ान के आइटम, स्पेशल बटर खानी होती है सुबह सहरी में, सिर्फ रमज़ान के लिए बनता है ये। बाकी शॉप अंदर है तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के जी यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं अंदर, लेकिन ये सब हमारा सिर्फ रमज़ान का स्पेशल आइटम है। फ्रूट केक हो गया, खोया रोटी हो गया, नारियल रोटी हो गया, शीरमाल हो गया, रमज़ानी ब्रेड हो गया, ये बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा बिकता है रमज़ानी ब्रेड। ये सब हमारा आइटम सिर्फ रमज़ान के लिए, एक महीने के लिए। अभी मैं आपको एक और रूबरू कराने वाला हूँ एक शख्सियत से, इनका टिक्का बहुत फेमस है भाई, यहाँ पर अगर आओगे तो टिक्का जरूर खा लेना भाई बटला हाउस पे, ठीक है। अभी मैं उनके पास ही लेकर चल रहा हूँ आपको। ये भाई शफीक कुरैशी, और यहाँ का इनका जो टिक्का है भाई बहुत फेमस है, और मैं भी थोड़ा इनके पास ही लेकर जाने वाला हूँ आपको। और बाकी जो लोग वहाँ पर खा रहे हैं मैं उनसे भी बात करूँगा,
कि उनको टिक्का कैसा लगता है यहाँ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चिकन टिक्का है, और इसका क्या प्राइस रहता है भैया? ये 60 रुपए की एक सीख होती है ग्रेवी के साथ, और ये बहुत फेमस ही है यहाँ का बटला हाउस का, सफी कुरेशी के नाम से यहाँ पर अवेलेबल है। आप इनका नंबर भी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, और तो यहाँ पर कुछ लोग खा रहे हैं। ठीक है भाई, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, एक नंबर टेस्ट। पहली बार आए हो यहाँ पर? फर्स्ट टाइम। एक नंबर टेस्ट, दोबारा नहीं तिबारा हर बार आना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इनकी किस तरह से बन रहे हैं, सीख रहे हैं चिकन टिक्का, ये पूरा रेडी हो चुका है। और एक यहाँ पर चाचा जी हमारे अवेलेबल हैं, चाचा शरबत वाले भाई। यहाँ पर ये मैंने पिया था काफ़ी टाइम पहले, लगभग एक साल पहले, और ये बहुत अच्छा शरबत बनाते हैं। ये होता है कि इनका मतलब इसमें दूध नहीं होता। ताऊ जी आपका दूध वाला भी होता है क्या? वो 20 रुपये का होता है, और ये विदाउट दूध वाला? ये 10 रुपये का और 20 रुपये का, इनका ग्लास का हिसाब होता है कुछ। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं चाचा शरबत वाले, यहाँ पर ये बटला हाउस चौक पर अवेलेबल है, बहुत अल्टीमेट बनाते हैं। और मैंने इनका काफ़ी टाइम पहले पिया था, लेकिन अभी हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। तो गाइस आई होप आपको ये मार्केट जो आज हमने आपको जाकिर नगर से बटला हाउस तक जो मार्केट दिखाई है, आई होप आपको दोस्तों ये अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं अभी यहाँ पर जाकिर नगर की हमारी कितनी सारी अभी वीडियोज़ आने वाली हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और मैं आपको कंप्लीट जितनी भी यहाँ पर फेमस चीज़ें हैं उनके इंडिविजुअल मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा उनके लिए। तब तक के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा फॉर लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।